क्रिकेट के क्षेत्र में मिलने वाले सबसे महान अवार्ड्सों में से एक है अर्जुना अवार्ड्स, जो हर खिलाड़ी का सपना होता है कि इसे पाने का। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में 2000 से लेकर अभी तक के क्रिकेटर को किस किस को महिला और पुरुष टीम में अवार्ड्स ये सम्मानित किया गया। बात करें साल 2000 की तो वेंकटेश प्रसाद को ये अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2001 में जाने माने खिलाड़ी VBS लक्ष्मण को ये अवार्ड दिया गया था। साल 2002 में वीरेंद्र सहवाग को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2003 में स्पिन के जादूगर हरभजन सिंह को मिला था यह अवार्ड। साथ ही साथ महिला टीम के मिताली राज को भी ये अवार्ड दिया गया था। बात करें साल 2005 की तो अंजुम जैन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2006 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, अंजुम चोपड़ा को ये अवार्ड से नवाजा गया था। बात करें 2009 की तो सबसे चहेते हमारे गौतम गंभीर को ये अवार्ड दिया गया था। साल 2010 की बात करें तो झूलन गोस्वामी, जो महिला टीम के क्रिकेटर रह चुकी है, उन्हें ये अवार्ड मिला था। 2011 में सबसे तेज गेंदबाज जहीर खान को ये अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2013 की बात करें तो रन मशीन विराट कोहली को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2014 में रविचंद्र अश्विन को, भारतीय टीम के जो स्पिनर रह चुके हैं और खेलते भी अभी तक, इन्हें भी ये अवार्ड मिला है। साल 2015 की बात करें तो दोहरा शतकों का बादशाह कहे जाने वाले रोहित शर्मा को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2016 की बात करें तो अजिंक्य रहाणे को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हम लोग बात कर रहे हैं साल 2017 की, तो बात करें तो टेस्ट क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज जिन्हें आप सभी जानते हैं चेतेश्वर पुजारा, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर को, फीमेल टीम के जो खिलाड़ी रह चुके, इन्हें भी ये सम्मानित किया गया था। 2018 में बात करें तो स्मृति मंधाना को ये अवार्ड दिया गया था। साल 2019 की बात करें तो रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और महिला टीम के पूनम यादव को ये अवार्ड दिया गया था। साल 2020 में दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा को ये अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2021 की बात करें तो ओपनर शिखर धवन को ये अवार्ड से नवाजा गया था। और साल 2023 की बात करें तो लेटेस्ट मोहम्मद शमी को जो दिया गया है, उनका गेंदबाजी देखकर, परफॉर्मेंस देखकर, वर्ल्ड कप में जो उन्होंने करके दिखाया, इसके वजह से उन्हें यह अवार्ड्स दिया गया है, अर्जुना अवार्ड्स। हमारे भारतीय टीम के महिला खिलाड़ी भी बहुत कोई को मिला है और पुरुष टीम में भी बहुत कोई को मिला है। आपको कौन सा प्लेयर जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित करते हुए आप देखे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब